दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल तिवारी और आप बेस्टर्न बैंकर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गाइज, आजकल डेबिट कार्ड और यूपीआई यूज करना एक ट्रेंड बन चुका है। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या फिर गाइज आपकी गिनती एक माइनर पर्सन में होती है और गाइज आप किसी ऐसे बैंक की तलाश में है जिस बैंक में आप घर बैठे अपना ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस वाली खाता खोल सके, और गाइज जैसे ही आप उस बैंक में खाता खोलते हैं वहां पे आपको इंस्टेंट अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, डेबिट कार्ड, यूपीआई यूज करने की फैसिलिटी, ये सारी चीजें मिले तो फाइनली गाइज आप फेमपे एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। जी हाँ गाइज, फेमपे एप्लीकेशन जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कंबाइन है, यानी कि गाइज यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर के माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है। गाइज अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड के माध्यम से आप फेमपे एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और गाइज अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े बैंक में जितनी सारी बेनिफिट आपको मिलती है वे सारी बेनिफिट जो है ये फेमपे एप्लीकेशन के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि गाइज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करती है। तो फाइनली गाइज अगर आपको भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश है, आपकी गिनती एक माइनर पर्सन में होती है, आपको कहीं भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होगी। गाइज आप किस प्रकार से ओनली वन आधार कार्ड से आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। साथ में गाइज आप अपनी अकाउंट में किस प्रकार से अपने पैसे की कैश विड्रॉल करेंगे, आप अपने अकाउंट में आप अपने पैसे को किस प्रकार से डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। और गाइज लास्ट में यहाँ पे हमने आपको लाइव भी करके दिखाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, नहीं तो गाइज यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो आपको फेमपे एप्लीकेशन के साथ आपको अपने अकाउंट को ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि फेमपे एप्लीकेशन में माइनर किस प्रकार से घर बैठे अपनी ऑनलाइन एक अकाउंट खोलेंगे। फेमपे के अंदर अपनी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेमपे एप्लीकेशन का ऑफिशियली लिंक मिलेगा। दोस्तों उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है फेमपे एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा। आप गाइज यहाँ पे देख सकते हैं फेमपे एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। गाइज यहाँ पे आपको एक ओपन की बटन दिखेगी, फाइनली गाइज यहाँ पे आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फेमपे एप्लीकेशन की पूरी कंप्लीट यहाँ पे आपकी डिजाइन दिखाई जाएगी। यहाँ पे गाइज फेमपे एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है ये सारी चीजें को दिखाई जा रही है। और गाइज यहाँ पे आपको इंटर फेमपे की ऑप्शन मिलेगी, फाइनल गाइज आप इस इंटर फेमपे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको अपने मोबाइल नंबर को फोनपे एप्लीकेशन के साथ वेरीफाई करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी मोबाइल नंबर से आप अपने फोन पे के अंदर अकाउंट बनाना चाहते हैं फाइनली गाइज उस मोबाइल नंबर को आप इस बॉक्स में इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर कंप्लीट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक गेट ओटीपी की ऑप्शन मिलेगी, फाइनली गाइज यहाँ पे आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे फोन पे एप्लीकेशन की ओर से वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड की जाएगी। फाइनली गाइज उस ओटीपी के साथ आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के साथ वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप जिन भी माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनकी यहाँ पे कंप्लीट नेम फिल करेंगे। उसके बाद गाइज उस माइनर का यहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। और गाइज यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड की ऑप्शन मिलती है, तो फाइनल गाइज आपके डिस्प्ले पे जो भी रेफरल कोड देखने को मिलता है उस रेफरल कोड को आपको जो है इस बॉक्स में इंटर करना है। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, फाइनली गाइज आप जो है इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपने कम्प्लीट डिटेल्स को फिल करके और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब गाइज यहाँ पे फेमपे आपसे जो है आपकी लोकेशन मांगती है। फाइनल गाइज यहाँ पे आप जो है अलाउ लोकेशन एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे फेमपे को आप अपनी लोकेशन जो है दे देंगे। यहाँ पे आपका जो लोकेशन है उसे चेकआउट किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी अनलॉक योर वर्चुअल फेम कार्ड, यानी कि गाइज यहाँ पे डेबिट कार्ड लेने के लिए या फिर फेमपे वॉलेट को यूज करने के लिए और गाइज यूपीआई की फैसिलिटी लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे गेट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही गेट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। फाइनली गाइज यहाँ पे आधार कार्ड की केवाईसी करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगी व्हाट इज आधार का, फाइनली गाइज यहाँ पे आपको जो है व्हाट इज आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो होगा आपके आधार कार्ड के साथ केवाईसी होगी
और गाइज जैसे ही आपकी आधार कार्ड के साथ KYC कंप्लीट होती है उसके बाद से फाइनली गाइज आप जो है आप अपने अकाउंट को कंप्लीट यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस KYC को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों जिन भी माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं फाइनली गाइज उनकी आधार कार्ड की नंबर यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। जैसे उनकी आधार कार्ड की नंबर फिल करते हैं यहाँ पे नीचे आपको एक कंटिन्यू की बटन दिखेगी। फाइनली गाइज इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप अपनी आधार कार्ड की नंबर फिल करके और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किए आपकी आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी फाइनली गाइज उस मोबाइल नंबर पे आधार केंद्र की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। फाइनली गाइज उस OTP को आपको जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करना है और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिखेगा। फाइनली गाइज यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप अपनी आधार कार्ड के साथ जैसे ही OTP को वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है उसे वेरीफाई कर लिया जाता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली आपकी आधार कार्ड की KYC जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी लेट्स गेट फेमपे पैड। फाइनली गाइज आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपने फेमपे अकाउंट के साथ आधार कार्ड की KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। गाइज आपकी अकाउंट में कितना बैलेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर गाइज आप अपनी अकाउंट के साथ कहीं भी बैलेंस पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है पे कर सकते हैं। अगर गाइज आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर गाइज आप अपने अकाउंट के साथ कंप्लीट मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी अकाउंट के साथ पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड कहाँ पे दिखेगा सबसे पहले ये चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइज आपको एक फेमपे कार्ड की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइज आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब गाइज आप जैसे ही पेज को स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट यूजिंग योर फेमपे कार्ड। फाइनली गाइज आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी फेमपे जो भी कार्ड है यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है उसे यहाँ पे क्रिएटिंग किया जा रहा है। फाइनली गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी कार्ड की नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपकी कार्ड की एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है और गाइज यहाँ पे आपको अपनी कार्ड की CVV नंबर देखने को मिलती है। और फाइनली गाइज आपकी कार्ड की लुक जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है जो कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप अपने कार्ड को बहुत ही अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से बैक आने के लिए आपको एक कट की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपकी कार्ड की लुक को जो है दिखाया जाएगा। और गाइज फिजिकल कार्ड को लेने के लिए यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही ऑर्डर कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी कार्ड की लुक को दिखाया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपकी कार्ड की लुक जो है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। यहाँ पे गाइज आपको कौन सी कार्ड लेना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे गाइज दोनों कार्ड की चार्ज जो है अलग अलग है। अगर यहाँ पे आप फेम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 199 रुपया पे करना होगा। अगर आप जो है ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 399 रुपये यहाँ पे करने होगी। दोस्तों हमें जो है यहाँ पे फेम कार्ड अच्छा लग रहा है तो हम जो है 199 रुपये का यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको 2x फेमपे क्वाइंस रिवार्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे गाइज आपको अपनी कार्ड के साथ और भी काफी सारी ऑफर देखने को मिल जाती है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर गाइज यहाँ पे आपको अपनी कार्ड के साथ सिग्नेचर करना है यानी कि गाइज आपको अपनी कार्ड पे आपको अपनी नेम प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप जो है अपनी सिग्नेचर करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आपको जो भी नेम प्रिंट कराना है यहाँ से आप अपनी नेम लिखेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ से आप जो है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब गाइज आपको जो है कंप्लीट एड्रेस फिल करना होता है आपको अपने कार्ड को डिलीवर करने के लिए। फाइनली गाइज वहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करके और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज वहाँ पे आपको जो है 199 रुपया पे करना होगा। गाइज आपकी अकाउंट में 199 रुपीज होना चाहिए तब ये कार्ड जो है कंप्लीट आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाती है। अब गाइज हम बात करते हैं कि आप फेमपे से UPI ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। फाइनली गाइज इस पेज को जैसे ही ऐसे दाहिने तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे गाइज आपको जो है एक्टिवेट UPI की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज आप जो है एक्टिवेट UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको एक स्टार्टेड नाउ की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप स्टार्टेड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपकी UPI जो है कुल चार स्टेप में ओपन होती है।
पहला स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपनी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। फाइनली उस ओटीपी के साथ आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। दूसरा यहाँ पे वेरीफाई एसएमएस फॉरवर्ड की ऑप्शन मिलती है। तीसरा यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट नंबर फिल करनी होती है। चौथे स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी को स्टेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी जो है क्रिएट हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पे आप जो है सेंड एसएमएस टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को अलाउ करेंगे। आप अपनी लोकेशन को अलाउ करेंगे यहाँ पे आपकी पहली स्टेप कम्प्लीट हो जाती है। फाइनली यहाँ पे आपकी दूसरी स्टेप को वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी वेट करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं, अगर इस यूपीआई आईडी में आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है इसे एडिट कर सकते हैं। फाइनली जो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जो है आपको अपने अकाउंट में कहीं भी पैसे को पे करना है तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पे की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली यहाँ पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। अब गई यहाँ पे आपको एक ट्रू यूपीआई आईडी की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गई यहाँ पे ट्रू यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गई आप अपनी यूपीआई आईडी फिल करेंगे। उसके बाद गई यहाँ पे आपको एक वेरीफाई एंड पे की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज उनकी अकाउंट में जो है पैसा आपकी पे हो जाती है। दोस्तों अगर आपको अपनी अकाउंट में पैसा ऐड करना है तो आप किस प्रकार से ऐड करेंगे, देखिए गाइज यहाँ पे आपको एक ऐड की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली यहाँ पे आप जो है ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और गाइज यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में कितना रुपया ऐड करना है यहाँ पे आप अपने अमाउंट फिल करेंगे। और गाइज यहाँ पे आपको एक एडेड मनी की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइज यहाँ पे आप एडेड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन देखने को मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप जो है किसे आप अपने अकाउंट में पैसा ऐड करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। और गाइज आप बहुत ही आसानी से आप अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार की बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपने अकाउंट में जो भी पैसा ऐड करेंगे उस पे फेमपे जो है रिवार्ड भी देती है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है आप अपनी रिवार्ड्स के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे रिवार्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फेमपे यहाँ पे आपको जो जो रिवार्ड्स देगी यहाँ पे फाइनली गाइज आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप अपनी रिवार्ड को चेक कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज आप जो है कुछ इस प्रकार से आप अपने फेमपे अकाउंट को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने फेमपे अकाउंट को बनाएंगे। गाइज आप इस वीडियो में सीखे हैं कि कैसे आप अपने फेमपे अकाउंट बनाएंगे, कैसे जो है वर्चुअल कार्ड आपको मिलेगी, कैसे आपको यूपीआई यूज करने की फैसिलिटी मिलती है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। कैसे आप अपनी वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।